हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम मैं हूं बशीर। सो गाइस, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होता जा रहा है, भारत कहां से कहां आया वेपन्स के मामले में। सच में एक टाइम पे भारत पूरी दुनिया से वेपन उठाता था, सबसे बड़ा मतलब बायर था वेपन्स का। लेकिन आज भारत कहां पर पहुंच गया कि पूरी दुनिया को वेपन दे रहा है, चाहे वो फिलिपाइन हो या फिलीपींस हो या कोई भी देश हो, इजिप्ट वगैरह। लेकिन इस देश का आपने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ये भी देश भारत से वेपन लेने आएगा। तो सऊदी अरब पहली बार भारत से ले रहा हथियार, 225 मिलियन डॉलर की कोई हथियार उठा रहा है सऊदी अरब भारत से। बहुत बड़ा नंबर है भाई, बहुत बड़ा। ये तो शुरुआत है, ये तो भारत की शुरुआत है 225। और अगर भारत के हाथ में सऊदी अरब लग गया तो कुछ समय में भारत इतना आगे बढ़ चला जाएगा ना, क्योंकि सऊदी सबसे ज्यादा हथियार लेता है देश है। तो देखते हैं क्या सीन हुआ, सारा इनसाइड नॉलेज का वीडियो है। दोस्तों, आज के समय में डिफेंस सेक्टर में भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गया है। हम दुनिया भर की 85 देशों में अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब डिफेंस सेक्टर में जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि सऊदी अरब से है। दरअसल भारत की लीडिंग डिफेंस कंपनी म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड ने सऊदी अरब के साथ 225 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत भारत सऊदी अरब को आर्टिलरी एम्युनिशन सप्लाई करने जा रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको वीडियो में आगे डिटेल से बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर कतर से निकलकर सामने आ रही है। भारत कतर के साथ अपने एनर्जी इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए 78 अरब डॉलर की डील साइन करने जा रहा है। इस डील के तहत भारत कतर से एनर्जी इंपोर्ट को एडिशनल 20 सालों के लिए बढ़ा रहा है। भारत और कतर के बीच में होने जा रही इस एनर्जी डील के बारे में भी आपको आगे बताएंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, आज के समय में भारत मिसाइल से लेकर रॉकेट कैरियर्स, एम्युनिशन और लगभग सभी छोटे से बड़े हथियारों को खुद ही डेवलप कर रहा है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। भारत सरकार का मिशन है कि भारत डिफेंस इक्विपमेंट के लिए किसी और देश पर डिपेंड ना हो, बल्कि अपने ही देश में हर इक्विपमेंट को डेवलप करे। इसके लिए बहुत सारी डिफेंस कंपनियां काम भी कर रही है। इसी में से एक है भारत की लीडिंग डिफेंस गवर्नमेंट कंपनी म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि MIL सऊदी अरब को लगभग 225 मिलियन डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने जा रही है, जिसमें आर्टिलरी एम्युनिशन शामिल है। बता दें, सऊदी अरब से इस माइलस्टोन एग्रीमेंट को MIL की पार्टनर कंपनी नादरा ने फैसिलिटेट किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए एक सेरेमनी भी रखी गई थी, जिसमें सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्री के गवर्नर अहमद अब्दुल अजीज अल ओहली और भारत के रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट शामिल हुए थे। ये डील भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक सिग्निफिकेंट चेंज को साफ साफ जाहिर कर रही है, और इस डील के जरिए भारत और सऊदी अरब की पार्टनरशिप भी मजबूत होगी। वहीं आपको बता दें, इस डील से रिलेटेड जानकारी को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अभी तक नहीं पता चला है कि भारत स्पेसिफिक किस टाइप के और कितनी क्वांटिटी में एम्युनिशन सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। दोस्तों, एम्युनिशन वेपन से साइज में छोटे बुलेट की तरह होते हैं। ये काम में बहुत अच्छे और प्राइस में अफोर्डेबल होते हैं। इंडियन आर्मी मिशन और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैरायटी के बुलेट्स यूज करती है। पहले भारत इन एम्युनिशन को भी दूसरे देशों से ही इम्पोर्ट करता था, लेकिन अब भारत ने इन्हें डेवलप करने में एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, और यही कारण है कि सऊदी अरब भारत से एम्युनिशन खरीदने जा रहा है। भारत की लीडिंग डिफेंस कंपनी म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड ने इंडियन आर्म फोर्सेस को वेपन की वाइड रेंज और एम्युनिशन सप्लाई करने में मेजर रोल प्ले किया है। सऊदी अरब और भारत के बीच में ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की बढ़ती हुई कैपेबिलिटी और इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में कंपटीशन को साफ जाहिर करता है। दोस्तों, डिफेंस में भारत की बढ़ती हुई ग्रोथ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि कतर से निकलकर सामने आ रही है। ये तो हमें बताई है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2070 तक
बाद भारत को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाया जाए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और नेचुरल गैस को प्रमोट कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत कतर के साथ अपनी एनर्जी डील को एडिशनल 20 सालों के लिए बढ़ाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत की अर्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इम्पोर्टर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड 2 एग्रीमेंट के तहत कतर से हर साल 85 लाख टन एलएनजी इम्पोर्ट करती है। पहले 25 ईयर्स का एग्रीमेंट 2028 में खत्म हो जाएगा और अब इसी एग्रीमेंट को एडिशनल 20 सालों के लिए भारत द्वारा बढ़ाया जा रहा है। दरअसल भारत कतर से करंट प्राइसेस से कम कीमत पर 2048 तक एनर्जी इम्पोर्ट बढ़ा रहा है और कतर के साथ 78 अरब डॉलर के एग्रीमेंट पर साइन करने जा रहा है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये था इसका, ये देखा हुआ था तो कल हमने वीडियो भी डाली थी इसकी, आप लोगों ने देखी होगी, तो इसको फुल देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेन जो बात है, पहली बार सऊदी अरब और ये वो डील नहीं, ये डील हो चुकी है, बात नहीं हो रही भाई, बात हो रही है, फिर सोचेंगे ये करेंगे वो करेंगे, सालों गुजर जाएंगे उसके अंदर, ये वो सीन नहीं, ये डील हो गई है। और वेपन्स उठा रहा है हथियार, वो जो एमुनेशन होते हैं ना, गोली वाली शोली गोला बारूद, वो भारत से उठा रहा है, वो भी 225 मिलियन डॉलर के। और भारत, मजे की बात ये वेपन पहले भारत भी दूसरे देशों से मंगवाता था, लेकिन भारत ने खुद बना ले। ये होता है मेक इन इंडिया का फायदा भाई। इस बात से तो अंदाजा लगाओ कि एक टाइम था इंडिया गिनती में भी शुमार नहीं होता, गिनती में भी शुमार नहीं, और आज वो टाइम है कि मैंने सुना है कि एक साल के अंदर पता नहीं 4-5 बिलियन डॉलर के करीब, यार 85 देशों को इंडिया का टारगेट है 2025 में 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना। तो एक साल में 85 देशों को देख लो अपने डिफेंस से रिलेटेड चीजें दे रहा है इंडिया, फिलीपीन, इजिप्ट, बहुत सारे देश, मतलब मैन के देश, ओमान हो गए, ये बड़े बड़े देश भाई भारत से ले रहे हैं। और सऊदी भारत के देखो ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, इंडिया इनको अच्छा माल देगा। सऊदी ऐसा देश है बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार एक साथ उठा लेता है, तो ये भारत के मतलब ये फुल भारत ने इसको एक अच्छी चीज दी ना, ये भारत की चीज से प्रभावित हो गया, तो ये आगे भारत से ऐसे ऐसे वेपन लेगा। आपकी सोच प्रभावित है तो इसलिए ले रहा है वही ना, मतलब और सबसे बड़ी बात ये है कि इधर सबसे और उसे कम रेट में, और भारत ये नहीं है कि बहुत ज्यादा भारत वो करता है कि अगले पे अपनी शर्तें रखता है, जिस तरह अमेरिका, एक तो अमेरिका से वेपन बंदा ले ऊपर से वो शर्तें रख देता है, ये सीन नहीं है। सबसे बड़ा धचका अमेरिका और चाइना को पड़ा, सबसे बड़ा, और वो हैरान हो रहे होंगे कि यार ये इस तरह, ये देखो वो कहते हैं थिंक कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये शुरुआत है, जब बड़ा ऑर्डर आएगा किसी चीज का वो फिर देख रहे किस लेवल पे। तो ये बहुत अच्छी ये स्टेप है भारत जो ले रहा है। अभी तक भारत कहते थे टॉप 15 में भी नहीं आ रहा, लेकिन अब भारत अभी नहीं, जब रैंकिंग आएगी ना 2025 या 24 की लास्ट में, जो भारत टॉप 10 में होगा, और बहुत जल्द टॉप 5 में भी भारत देखने को मिलेगा, जिस तरह से वेपन तेजी से भारत में दिख रहे हैं। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।